ओम शांति। सभी स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा। चलो तब तक हम रिपीट कर लेते हैं क्लास को। जी एक बार जो हमने उस दिन किया था, हमने किया था कि जी माइंड की, वैसे बीच बीच में आप पूनम बहन सबको म्यूट अनम्यूट करते रहिएगा। जी बिल्कुल आज पिछले सेशन में हमने बात की थी कि जो माइंड है हमारी चार चीजों को रीड करता है। फर्स्ट वन इज इमेज, सेकेंड वन इज कलर्स, थर्ड वन इज साउंड और म्यूजिक, एंड फोर्थ वन इज आर्ट एंड ग्राफिक्स। इन चारों चीजों को रीड करता है, इसी को हम थॉट कहते हैं। बेसिकली यही हमारे थॉट्स हैं, जो इमेज के फॉर्म में होते हैं, या कलर्स के फॉर्म में होते हैं, या साउंड और म्यूजिक के फॉर्म में होते हैं, या फिर आर्ट एंड ग्राफिक्स के फॉर्म में होते हैं। अच्छा, इसमें दूसरी चीज है, इसी को हम कहते हैं टीम कॉन्सेप्ट। बेसिकली टीम कॉन्सेप्ट क्या है, आप इसको सभी कॉपी पेन जिन्होंने भी लिया है डायरी पेन उसको नोट कर लें। उस बार भूल गया था थोड़ा सा, तो मुझे याद है TEAM ऐसे लिखना है। टी ऊपर, फिर नीचे उसके ई, फिर ए, फिर एम। टी फॉर थॉट, ई फॉर इमोशंस, ए फॉर एटीट्यूड, एंड एम फॉर मेमोरी। इसको टीम कॉन्सेप्ट कहते हैं बेसिकली। हमने बात की कि हमारे बहुत सारे इमेजेस माइंड में आते हैं, जिसको हम माइंड की स्क्रीन पर आपने देखते हैं। पहले क्या बताया कलर साउंड वाला? सॉरी मैं सुनी नहीं थी, कलर साउंड एंड वो क्या बताया फर्स्ट था? वन इज इमेज, इमेजेस, हाँ जी सेकेंड वन इज कलर्स, थर्ड वन इज हाँ साउंड और म्यूजिक, फोर्थ वन इज आर्ट एंड ग्राफिक्स। इसको इन जनरल लैंग्वेज भी समझ सकते हैं। जैसे लोग नहीं कहते तुमने मेरी इमेज अपने अंदर अच्छी नहीं बनाई जी तो इमेज वो वाली भी एक इमेज है, ये वाली भी इमेज है। जैसे आपको, जैसे आपको जैसा लोगों ने देखा है, जैसा सुना है, वैसा इमेज बना लिया। तो आपकी, जैसे मैं अगर नाम लूं पूनम, तो पूनम नाम से आपकी इमेज आ जाएगी। आपके अंदर जो कोई कलर का कपड़ा पहना वो याद आ जाएगा फटाफट, या फिर जो कुछ कहीं भी किसी ने आपको जैसे देखा है कुछ करते हुए वो याद आ जाएगा। तो जी ये थॉट है, दीज आर थॉट्स, इमेजेस हमारा का। मतलब सोचने का एक हाँ वो जी, जो हाँ जी, होता है बिल्कुल तरीका है बिल्कुल। वो जैसे हम इन सोचते हैं, ये इन चार, इन मतलब इन चारों के थ्रू चार हम फॉर्म थॉट में ही सोचते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, इन चार फॉर्म में ही हम सोचते हैं, और किसी फॉर्म में सोच ही नहीं सकते। हमेशा हम चार फॉर्म में सोचते हैं, इसी को हम थॉट कहते हैं ना। देखो कोई भी थॉट आप उठा लो, कोई भी, जैसे आपको किसी ने दर्द जी दिया है, तकलीफ दी है, दुख दिया है, सारा कुछ थॉट इसी इमेज के फॉर्म में, कलर्स के फॉर्म में। हाँ, वहां पर आपने मुझे ये बात कही थी, मुझे बड़ा बुरा लगा था, तो ये क्या है, इमेजेस है। सो ये इमेज कलर्स जी है। मैंने बताया था कि इतने सारे, अगर उस दिन हमने जहाँ क्लोज किया था कि हमारे माइंड के स्क्रीन पर और कंप्यूटर स्क्रीन पर सिमिलैरिटी क्या है, अगर इस पर 30 फोल्डर्स खुल जाएं एक साथ तो हैंग कर जाएगा। ऐसे ही हमारे माइंड में 30 इमेजेस एक साथ आ जाएं तो हमारा माइंड हैंग कर जाएगा, काम नहीं करता ना, कहते मन भारी हो गया। अब वही चीज सेम, हमने ही कंप्यूटर बनाया है, हमने ही वो दोनों चीजें बनाई। अब देखिए इसमें क्या सिमिलैरिटी है। अब हमारे माइंड उसमें तो ये है कि आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, बट इसमें रीस्टार्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं माइंड। हमने उस दिन बात की थी कि अगर हमारे अंदर एक दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्ट का सॉफ्टवेयर, और हमने उस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमने एक वर्ड लिखा, टाइप किया, NOWLEDGE, नॉलेज की स्पेलिंग रॉन्ग है। आपके कंप्यूटर में अगर डिक्शनरी का सॉफ्टवेयर इज नॉट अवेलेबल, सो क्या शो करेगा, एज इट इज शो कर देगा। ऐसे हमारे माइंड के अंदर आज इंटेलेक्ट का सॉफ्टवेयर है तो सही, बट वो कंप्लीट वर्क नहीं कर रहा है, डिलीटेड है, मतलब करप्टेड कह सकते हैं, करप्ट फाइल हो गई। डिलीट तो नहीं है थोड़ा बहुत, बट वो पूरी तरह से जजमेंट नहीं दे रहा। तो आज हम नॉलेज को समझेंगे कि नॉलेज जो जो हमारा नॉलेज है, हमारा इंटेलेक्ट है, इसके काम करने से फायदा क्या है। सबसे पहले तो अभी हम जो जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं जिन्होंने नहीं सुना था, मैंने थोड़ा सा रिपीट किया, अब इसके आगे वाला कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से सुनेंगे सभी। इंटेलेक्ट
और जब हम कभी, आपने देखा होगा कि जब कभी भी आप किसी ऐसे वर्क जहाँ पर पूजा होती है या कुछ ऐसा मंदिर है, आप जब जाते हो तो भगवान के सामने जाकर हम सारे एक बात कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओ गॉड गिव मी नॉलेज। क्या बोलते हैं? ओ गॉड गिव मी नॉलेज। नोबडी कैन से ओ गॉड गिव मी जनरल नॉलेज। कोई बोलता है जनरल नॉलेज दो भगवान से? सब लोग क्या कहते हैं? गिव मी नॉलेज। किस बात की नॉलेज? कि मैं समझ सकूं या अंडरस्टैंड कर सकूं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। जब हमारे माइंड के अंदर हमारा इंटेलेक्ट काम नहीं करता, सो हमको गलत बात और सही बात में फर्क नजर नहीं आता। क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो अभी ये जूम यूजर पर कोई और है कोस्ट ना, तो इसको अनम्यूट करिए जरा। हाँ जी, आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेते। कहते हैं ना शी इज माई मदर, बोलते हैं ना शी इज माई मदर, तो शी इज सेकेंड वन और शी इज फर्स्ट वन? अर्जुन शी इज माई मदर। सो मैंने कहा ना शी इज माई मदर एक वर्ड है, कि अगर मैं पूछूं तो आप कहेंगे ना शी इज माई मदर, तो शी इज फर्स्ट वन और सेकेंड वन? सेकेंड सेकेंड हुआ ना, वन, शी गुड। अपोस्ट्रोफी हाँ मदर ठीक है, फर्स्ट ओके वन ओके। हाँ जी, सेकेंड वन, गुड गुड आंसर, प्लीज। सेकेंड वन, गुड आंसर, सेकेंड वन। सो जो कंप्यूटर, आप जिसके सामने लैपटॉप है, मोबाइल फोन के सामने आप बैठे हैं ना, तो मोबाइल फोन का ऑपरेटर कहाँ बैठा हुआ है? वेयर इज द ऑपरेटर? नेक्स्ट वी ट्विट उसके वेयर सामने टू? उसके सामने बैठा है। समायरा, वेयर इज द ऑपरेटर? व्हाट वेयर इज द ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर? सेकंड आउटसाइड। सिंपल वो आंसर है, कंप्यूटर के आपने अंदर भी ठीक होता है आंसर जिसको दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम को जी जी बिल्कुल, आपने परसेप्शन पे आउटसाइड सही आंसर दिया, आउटसाइड, आउटसाइड बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो कितना क्लीन है, कंप्यूटर के थ्रू आप अपने माइंड को समझ सकते हैं। इफ कहते हैं, कहते हैं वन आइडिया इज केम टू इन माई माइंड। ध्यान से आप लोग सुन लेना, जल्दी भागने की जरूरत नहीं। वन आइडिया इज केम टू इन माइंड माई, इसका मतलब क्या हुआ? आई एम नॉट अ माइंड, दिस इज माई माइंड। मैं थोड़ी देर रुका हुआ हूं, आप इसको सोच लें। कहते हैं ना वन आइडिया इज केम टू इन माई माइंड, इसका मतलब ये हुआ कि आई एम नॉट अ माइंड, दिस इज माई माइंड, आई एम डिफरेंट फ्रॉम द माइंड, सो दिस इज माई इंटेलेक्ट ऑल्सो। मैं इंटेलेक्ट भी नहीं हूं, मैं माइंड भी नहीं हूं। ऑपरेटर इज आउटसाइड, कंप्यूटर के सामने ऑपरेटर बैठा है। कंप्यूटर को जब तक वो हैंडल नहीं करेगा, तब तक कंप्यूटर ऑपरेट नहीं हो सकता। राइट और रॉन्ग? हो सकता है? नो। अब आगे देखो, एक थोड़ा सा फिर से एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि इफ दिस इज माई कंप्यूटर, इफ दिस इज माई माइंड, सो कोई दूसरा इस पर कैसे टाइप कर सकता है? देखो क्या है, हमारा माइंड और हमारा कंप्यूटर, सिमिलैरिटी सेम है। हमारे कंप्यूटर में आप पासवर्ड लगा के रखते हो ज्यादातर, अपने कंप्यूटर में ज्यादातर लोग पासवर्ड लगा देते हैं कि कोई टाइप ना कर पाए इस पर। सो इफ दिस इज माई कंप्यूटर, देन आई एम ओनर ऑफ द कंप्यूटर, तो आई हैव टू डिसाइड क्या टाइप होना चाहिए, क्या टाइप नहीं होना चाहिए। बट मेरे कंप्यूटर के अंदर आज इतने सारे पेन ड्राइव्स लगे हुए। पेन ड्राइव्स किसके किसके हैं? देखो, मम्मी के, पापा के, है ना, मेरी फ्रेंड्स के, ये सबके पेन ड्राइव्स आपके कंप्यूटर में लगे हुए हैं, माइंड के कंप्यूटर में बेसिकली। और सारे पेन ड्राइव्स के अंदर है वायरस। जितने ज्यादा वायरस आपके माइंड के कंप्यूटर में आए, या इस जो ग्रॉस कंप्यूटर आपके सामने रखा हुआ है, इसमें आया, तो आपका कंप्यूटर हैंग करना स्टार्ट करता है।
कहते ना आप पहले इसको स्कैन करो, स्कैन करने के बाद कब कोई पेन ड्राइव डालो, बट यहाँ तो स्कैनिंग हो जाएगी, बट यहाँ पर स्कैनिंग कैसे करेंगे अगर इंटेलेक्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। फिर हम लोग क्या करते हैं, जब हमने, जब मेरे मदर ने मुझे कुछ बताया, फादर ने कुछ बताया, या नेवर नेवरहुड ने, जो भी आपके आसपास लोग रहते हैं, उन लोगों ने कुछ कुछ बताया, फिर हम डिसीजन नहीं ले पाते किसकी बात राइट है किसकी रॉन्ग है। अंडरस्टूड? क्लैरिटी आ रही थोड़ी थोड़ी? हमारा माइंड, देखो ना कितने सारे लोग जब हमको सारी बातें सुना रहे होते हैं तो हमारा माइंड काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि कौन सही बता रहा है। सो वायरस आ गया, बहुत सारा वायरस आ गया। अब इस वायरस को खत्म कैसे करेंगे? सो बॉडी का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? चलिए सबका अनम्यूट कर लो, दो चार जन सबसे, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। तो सही सेल सेल? एज इन किसने बोला सेल? सेल से भी हाँ और क्या, एटम एटम सेल से भी एटम छोटे एटम हैं। एटम एटम एटम, बॉडी का सबसे छोटा पार्टिकल एटम। टू आर मोर एटम्स पुट टुगेदर, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। एलिमेंट टू नहीं, एलिमेंट नहीं, मॉलिक्यूल। टू आर मोर मॉलिक्यूल्स पुट टुगेदर, कंपाउंड टू आर मोर मॉलिक्यूल्स पुट टुगेदर कंपाउंड, ठीक है, एंड टू आर मोर कंपाउंड्स पुट टुगेदर। मिक्सचर टू एलिमेंट आर मोर कंपाउंड पुट टूगेदर सेल, टू आर मोर सेल्स पुट टूगेदर टिश्यूज, टू आर मोर टिश्यूज पुट टूगेदर ऑर्गन्स, टू आर मोर ऑर्गन्स पुट टूगेदर सिस्टम। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो कंप्यूटर को डिजाइन करने वाला या हमारे माइंड के अंदर जो डिजाइन है वो कंप्लीट कैसे सिमिलर है। जो मेटा, जो हमारा मेडिकल साइंस है और जो हमारा साइंस है नेचुरल साइंस, जिसको हम एटॉमिक वाले जो लोग हैं जो अपना सारा कुछ रिसर्च करते हैं, दोनों में देखो सिमिलैरिटी क्या है। मेडिकल साइंस कहता है कि हमारी बॉडी के अंदर 7 सिस्टम्स हैं, और 7 सिस्टम्स के को कंप्लीट कंप्लीट रन कराने के लिए या कंप्लीट इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने के लिए हमारी बॉडी के सबसे ऊपरी हिस्से, जहां ये हमारा ब्रेन है ना, जिसको आप कहते हो ब्रेन इज आवर हार्डवेयर, इसके अंदर एक एनर्जी है जो मेटाफिजिकल एनर्जी है, जो इन इन बिटवीन द हाइपोथैलेमस पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड बैठी हुई है। कहाँ कहाँ बैठी है? हाइपोथैलेमस पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड के बिल्कुल बीच में बैठी, वो एनर्जी ऑपरेटर है आपकी बॉडी की, जिसको डॉक्टर्स कहते हैं मेटाफिजिकल एनर्जी। क्या कहते हैं? क्यों वो मानते नहीं कोई, कहते हैं मेटाफिजिकल एनर्जी अगर है तो आपके बॉडी सिस्टम को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा होगा उसने, वही बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करती है, वो ऑपरेटर है इस बॉडी रूपी सिस्टम का। जैसे आप ऑपरेटर हो इस ग्रॉस कंप्यूटर का, ऐसे ही इस बॉडी की कंप्यूटर का ऑपरेटर है हमारा मेटाफिजिकल एनर्जी, जो पूरी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करता है। अंडरस्टूड? सभी के अंदर है, चाहे वो छोटा बच्चा है बड़ा बच्चा है, सभी के अंदर वो ऑपरेटर है, लेकिन उस ऑपरेटर को एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसका जो इंटेलेक्ट है वो सही काम नहीं कर रहा है। सो जब इंटेलेक्ट काम नहीं करता है तो हम सारे कहाँ जाते हैं? मंदिरों में जाते हैं या किसी के पास जाके बैठ जाएंगे, कहते हैं आज मेरा मन ठीक नहीं, मन हम थोड़ी देर बैठ के मम्मी से बात कर लें, पापा से बात कर लें, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो वो जो ऑपरेटर है उस ऑपरेटर को एनर्जी चाहिए। सो मैंने बोला था कि इफ दिस इज माई माइंड, मतलब माई माइंड माई इंटेलेक्ट,
सो माई इंटेलेक्ट, माई माइंड का मतलब ये हुआ कि दोनों मेरे से अलग है. आई एम नॉट अ माइंड, दिस इज माई माइंड. आई एम नॉट अ इंटेलेक्ट, दिस इज माई इंटेलेक्ट. देन हु एम आई? समायरा, हु एम आई? सोच के आंसर दो. ऑपरेटर, क्योंकि आज का मैंने कहा ना इंटेलेक्ट के लिए थोड़ा सा वेट करना है, बहुत अच्छा चैप्टर है. अगर आपने इसको समझ लिया, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया, तो आपको सारे चैप्टर्स एकदम कंप्लीट क्लियर समझ में आ जाएंगे. कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करके आप इसको आंसर दे सकते हो कि अगर ये मेरा कंप्यूटर है तो मैं जब तक ऑर्डर ना करूं कोई इस पर टाइप नहीं कर सकता कुछ भी. वैसे मेरे माइंड के ऊपर सब लोगों ने टाइप कर दिया, कुछ भी बोल लिख के चले गए, और आज मैं कंफ्यूज हूं किसका सुनूं किसका ना सुनूं, किसका राइट है किसका रॉन्ग है. सो हमारा जो ऑपरेटर है वो कंफ्यूज हो गया बेचारा, उसको समझ नहीं आ रहा. हु एम आई? यस यस, आंसर दो. आई एम ऑपरेटर. तो यू आर ऑपरेटर, देन हु आर यू? हु आर यू? आई एम अ सोल. यू आर अ सोल? हाँ आंसर तो सही है, बट सोल तो मैंने बताया नहीं अभी. आंसर आपने राइट दिया, गुड आंसर, आंसर बहुत अच्छा है. और कोई? ये कौन है? ये तराशा कौन है? सेम है जी. आई फील लाइक हम ओनर है इसीलिए हम ऑपरेट कर पाते हैं. नहीं, ऑपरेटर तो है बट ऑपरेटर इज आउटसाइड का मतलब. ये मैंने जो इन बच्चों से भी पूछा तो बच्चों तो पहले से उससे बताया कि मैं सोल हूँ. सोल की बात तो हम अभी कर ही नहीं रहे. मैं तो सिंपल बात पूछ रहा हूँ कि इफ ऑपरेटर इज आउटसाइड देन वो अगर ऑपरेटर कंफ्यूज्ड है हर एक बात में कंफ्यूज्ड है. सो क्यों कंफ्यूज्ड है? थोड़ा पार्टिसिपेट करें, थोड़ा बुद्धि लगाएं आप सभी. मैं वेट कर रहा हूं. इंटरैक्टिव सेशन इसलिए करते हैं ताकि आप थोड़ा. हाँ जी बोलिए. भी आपने बोला कि देयर इज अ एनर्जी वो जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में. सो एम आई दैट एनर्जी? या एनर्जी, एनर्जी में सोल मींस. ठीक बात बोल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं. सोल तो कंप्लीट सोल ही है. उसको किसी ने सोल कहा, किसी ने सेल्फ कहा, किसी ने मेटाफिजिकल एनर्जी कहा, किसी ने आत्मा कहा, किसी ने रूह कहा, किसी ने प्राण कहा, किसी ने जीव कहा, वही है. बट ऑपरेटर जो है, जो सोल है या जो सेल्फ है, सोल को हम कहते हैं सोर्स ऑफ, लिख लो एस ओ यू एल, एस फॉर सोर्स, यू फॉर यूनिक, एस ओ फॉर ऑफ, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट. और एक वर्ड और आता है सेल्फ, जैसे हम कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, वर्ड सुना ना सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो नोबडी कैन से बॉडी कॉन्फिडेंस. कोई कहता है बॉडी कॉन्फिडेंस, सभी लोग क्या कहते हैं? सोल कॉन्फिडेंस, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ का मतलब होता है स्पिरिचुअल एनर्जी इन अ लाइट फॉर्म. एस फॉर स्पिरिचुअल, ई फॉर एनर्जी इन अ लाइट फॉर्म. तो देखो सेल्फ एंड सोल, इन दोनों दोनों वर्ड्स में एक वर्ड कॉमन है. क्या है? लाइट. हम सारे लाइट. अब क्लियर है, हम सारे एक एनर्जी हैं, एक लाइट हैं. उसी लाइट को लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया. अब वो लाइट आज डिम हो गई है, बेसिकली डिम हो गई बिकॉज ऑफ बोलो, बिकॉज ऑफ अ बंडल ऑफ थॉट्स ट्रैवलिंग इन अ वन टाइम.
एट अ टाइम बंडल ऑफ थॉट्स ट्रेवल कर रहे हैं, कभी ये वाली इमेज, कभी ये वाली इमेज, इतनी सारी इमेजेस जा रहे हैं हमारे माइंड के अंदर कि हमारा माइंड डल हो गया। ये सारा आप देखो आंसर देंगे। समायरा आप अपना अनम्यूट करो, एक आंसर दो। जैसे आप अपने सिस्टम में जब कुछ टाइप करते हो तो उसको रिस्टोर कहाँ पर करते हो, स्टोर कहाँ पर करते हो, स्टोर। जैसे कुछ भी आपने स्टोर किया है कहीं पर तो स्टोर किया होगा। हाँ जी, कुछ चीजें मैंने माइंड में नहीं, माइंड में नहीं, कंप्यूटर में। कंप्यूटर में कहाँ स्टोर करते हैं, मेमोरी में। मेमोरी फोल्डर अच्छा में, फोल्डर फाइल्स में हमने डाल दिया ना, सब कुछ हमने डाला हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि ऑपरेट करते समय हम फोल्डर और फाइल से फाइल उठाकर ऑपरेट करते हैं, ऐसा ही होता है। और जब हम रात में सोने जाते हैं ना, हम सभी जैसे आप हो, जितने भी बच्चे हैं, तो सारे जब रात को सोने जाते हैं तो क्या करते हैं, रात को सोते हुए जितना मेमोरी फोल्डर में फाइल्स और ऊपर है सब सामने आ जाता है रात को। पूरे दिन मैंने क्या क्या किया, किससे कितना झूठ बोला, क्या सही बोला, किसको ऊपर नीचे किया, आ जाता है ना। देखो मेमोरी फोल्डर में सारी फाइल्स ओपन हो गई। ओपन कैसे होती है, कोई भी फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए क्या चाहिए, एक क्लू चाहिए, छोटा सा क्लू। जैसे एक क्लू डाला, जैसे आपको एच से कनेक्टेड फाइल और फोल्डर खोलना है, या कोई भी एच से कनेक्टेड फाइल फोल्डर खोलना है, आपने एच टाइप किया, एंटर किया, सारे फाइल फोल्डर सामने आ गए। ऐसे ही माइंड के अंदर जब हम सोने जाते हैं ना रात को, तब सारे जितने भी हमारी सुबह की शाम तक की बातें होती है ना, सारे मेमोरी फोल्डर में आके ऐसे ट्रेवल करना स्टार्ट करती है। इसको हम कहते हैं कि इतनी सारी बातें याद आ रही हैं। उन सारी बातों में इमेजेस होते हैं, या कलर्स होते हैं, या साउंड होता है, यही सब तो है। इमेजेस, कलर, साउंड, म्यूजिक, चारों चीजें तो होती हैं, और कुछ होता ही नहीं। ठीक है, अब इसी को वर्ल्ड में कहा गया नॉलेज। नॉलेज, नॉलेज का मतलब, नॉलेज 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 मीन्स इंटेलेक्ट। नॉलेज मीन्स इंटेलेक्ट। अब इंटेलेक्ट के अंदर कंप्लीट आज नॉलेज नहीं, कंफ्यूज है। अब मुझे उसको अगर नॉलेजफुल बनाना है, क्या करना है, किस बेस पर काम करें, किसका माने, किसका ना माने, मदर का माने कि फादर का माने कि ना माने, किसका मानना चाहिए। तो अभी मैं आप सबको बताने जा रहा हूं चार पैरामीटर जिसके बेस पर हम डिसीजन लेंगे क्या राइट है क्या रॉन्ग है। बड़े ध्यान से सभी इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, और चाहे इसको चाहे मेमोरी में आप रखना चाहे मेमोरी में रख सकते हैं। डिसीजन लेना, कैसे डिसीजन लें कि राइट क्या है रॉन्ग। पूनम बहन बताएंगी थोड़ा पुराने डिसीजन कैसे आप लेते हो, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, इंटेलेक्ट का। है पूनम बहन, यस अनुज भाई, मैं हाँ थोड़ा जी सा, बताएं आप कैसे डिसीजन मैंने लेते। क्वेश्चन नहीं सुना, सॉरी सॉरी, थोड़ा मेरा गेस्ट है। अच्छा कोई नहीं, मैंने कहा आपने डिसीजन कैसे लेते हो इस लाइफ में। बच्चों को हम इंटेलेक्ट का बताने जा रहे हैं, डिसीजन कैसे लेते, एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंस है। गुड, किस बेस पर काम करना चाहिए, क्योंकि देखो आज घर में मदर को भी हर्ट नहीं करना है, फादर को भी हर्ट नहीं करना है, सबकी बात सुननी भी है, राइट रॉन्ग को भी क्लियर एंड क्लीन करना है, तो किस बेस पर करें। बोलिए। सोच लो थोड़ा। वही कर रहा है। सोच के बेस पे ही तो डिसीजन भी लेंगे।
नहीं, सोच के बेस पर तो हम लेंगे डिसीजन, बट मैं कहता हूँ डिसीजन कौन सा किस बेस पर लेंगे। हाँ ठीक है, जूम यूजर ने किसी कोई और आंसर दे रहा था, इनके साथ कोई और भी जुड़ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वही आंसर दे, कोई और भी दे सकता है। एक्सपीरियंस, करंट सिचुएशन, सामने वाले को थोड़ा फर्क। हम अभी अभी तो इसका एक चार पैरामीटर आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बेस पर हम लाइफ में इंटेलेक्ट के थ्रू वर्क करेंगे, क्योंकि इंटेलेक्ट कंप्लीट उसी के साथ जुड़ा हुआ होता है ना। तो जब तक वो इंटेलेक्ट कंप्लीट काम नहीं करता तब तक हम निर्णय नहीं ले सकते। चलिए हम इसको बताते हैं। पहला जैसे नॉर्मल, और इसको सभी नोट कर लो, और इसकी इस चारे चारों पैरामीटर को हमेशा आप यूज कर सकते हैं इन लाइफ। फर्स्ट वन, मैं जैसे दुनिया में क्या होता है कि लोग फीलिंग और इमोशन के बेस पर काम करते हैं, सभी की नेचर है। जैसे अगर मदर ने कुछ कह दिया, भले वो गलत ही हो, लेकिन फिर भी कहते नहीं मम्मी को अच्छा लगता है तो मुझे तो करना पड़ेगा। ऐसे फादर ने कुछ कह दिया तो फादर को अच्छा लगता है तो करना पड़ेगा, कोई बात जरूरी नहीं है कि अगर वो गलत है तो गलत है। तो ऐसे ही हमारा जो इंटेलेक्ट है उसका करने का बेस क्या होना चाहिए। फर्स्ट वन इज जो मेरे लिए अच्छा है, फॉर माई सेल्फ, लिख लो फॉर द माई सेल्फ, पहला पॉइंट है पैरामीटर में, जो मेरे लिए अच्छा, जो मेरे लिए अच्छा है फॉर द माई सेल्फ। सेकेंड वन फॉर द जो मेरे फैमिली के लिए अच्छा है, फॉर माई फैमिली। थर्ड वन इज फॉर माई सोसाइटी। फोर्थ वन इज फॉर माई कंट्री। फर्स्ट वन इज फॉर माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ। सेकेंड वन इज फॉर माई फैमिली। थर्ड वन इज फॉर माई सोसाइटी। एंड फोर्थ वन इज फॉर माई कंट्री। फॉर माई कंट्री, ये हमारे पैरामीटर है। दीज आर फोर पैरामीटर्स, है ना। इन पैरामीटर्स पर इंटेलेक्ट को हमको बार बार रख के देखना है। जैसे अब इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मूवी देखना किसके लिए अच्छा है, फॉर माई सेल्फ अच्छा है समायरा? फॉर माई सेल्फ मूवी देखना। जूम यूजर कंट्री के लिए, इकोनॉमी अच्छी चलेगी ना उसकी, उससे नहीं नहीं अब देखो अभी मैंने आपको क्या बोला, आपको इंटेलेक्ट की पहले का फॉर माई सेल्फ, मूवी हमारे लिए अच्छी नहीं है, मतलब पूरी तरह से अच्छी नहीं, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं कि देखें। और उसमें हम कुछ ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं एंटरटेन बिना भाई, जिनके पास एंटरटेनमेंट करने का कोई भी साधन नहीं है, कोई ऐसा उनके पास गैजेट नहीं है, वो कैसे देखेंगे। जैसे कहा जाता है स्टडी, बच्चों के लिए बता रहा हूँ, स्टडी उनके लिए भी अच्छी है, फैमिली के लिए भी अच्छी है, कंट्री के लिए भी अच्छी है, सोसाइटी के लिए भी अच्छी है। सोसाइटी, कंट्री, इन चारों के लिए स्टडी बहुत जरूरी है, हाँ या ना है? ऐसे हाँ। ही मूवी देखना, टीवी देखना, इधर उधर जाना, आउटिंग करना, ना मेरे लिए अच्छा, ना फैमिली के लिए अच्छा, ना सोसाइटी के लिए अच्छा, ना कंट्री के लिए अच्छा। सो डिसीजन लेने का सबसे सुंदर तरीका है, बेस्ट ऑप्शन, कि मुझे बार बार कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले हर फीलिंग और इमोशन तो टेम्परेरी है, ये चेंज होते रहते हैं। जैसे आज एक एड देखी, फीलिंग बदल गई, कल दूसरी एड देखी, फिर फीलिंग बदल गई। तो ऐसे फीलिंग और इमोशन के बेस पर अगर आप डिसीजन लोगे तो हर समय धोखा खाएंगे, हर समय हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। बट इन चार पैरामीटर पर हमेशा लेकर चलेंगे तो कभी भी आपको गारंटी है कि वर्ल्ड में किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं हो। तो इन चारों के बेस पर जब हमारा इंटेलेक्ट काम करता है तो हमारे माइंड के अंदर पावर आनी स्टार्ट हो जाती है। सो अब इस समय काम क्या करना है, अगर आपके कंप्यूटर को स्पेस दे दिया जाए, अब थोड़ा सा ना जो भी हमारे सामने जैसे ये थोड़ा
थोड़ा दो चार जने आ जाएं, विजुअल आ जाएं, तो थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, सामने आ जाएं, बिल्कुल अपना वो वीडियो ऑन कर लें, आप सबसे पूछ लूं ऐसे, शायद ऑडियो से सही आंसर नहीं आएगा ना, वीडियो से आएगा। हाँ जी, गुड। कहाँ गए राकेश जी? आपने भी वो लगा रखा है, सामने आ जाओ, थोड़ा बच्चों को अच्छा लगेगा। जूम यूजर्स अपना वीडियो ऑन करिए। हाँ जी, चलिए कर लिया, गुड। एक क्वेश्चन है कि जैसे आपके आपके सामने कोई वॉल है, बिल्कुल आपके सामने कोई वॉल है, एम्प्टी वॉल है, हाँ एम्प्टी वॉल है, उस पर कुछ नहीं हो, जिस पर कुछ भी ना हो, कोई तस्वीर भी ना हो, बिल्कुल एम्प्टी हो, बिल्कुल जी खाली हो, उसको आप देख कितनी देर तक देख सकते हैं? सेकेंड में बता सकते हैं, मिनट में बता सकते हैं? सकते हैं, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ उसको देखने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, तो ज्यादा देर तो नहीं देखेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपकी बुद्धि अच्छी चल रही है, गुड, अपनी बुद्धि को शाबाशी दे दो, वेरी नाइस। आपके सामने जो इन्होंने आंसर दिया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल खाली है वॉल, एम्प्टी वॉल है, तो उसको हम ज्यादा देर तक देख नहीं सकते, व्हाई? बिकॉज ऑफ कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है? सो ऑब्जेक्ट ज्यादा देर ना होने के कारण हमारा माइंड ज्यादा देर नहीं चलता। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए बीच बीच में स्पेस देना बहुत जरूरी है। सभी बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से? हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए बीच बीच में स्पेस देना बहुत जरूरी है। जैसे हम स्पेस देते हैं ना माइंड को, जैसे देखो एक वॉल है हमारे सामने, वॉल बिल्कुल एम्प्टी है, हमने इसको देखना स्टार्ट किया, थोड़ी देर माइंड हमारा थोड़ी देर में कहेगा अब क्या कुछ और देखना है। सो ऐसे ही अगर आपके कंप्यूटर के अंदर स्पेस है तो आपका कंप्यूटर फास्ट चलेगा, आपका माइंड के अंदर स्पेस है सो माइंड फास्ट चलेगा। तो आपको अभी क्या करना है, थ्रू इंटेलेक्ट, थोड़ा समझदारी से माइंड को कैसे रिलैक्स करना है, बीच बीच में अपने माइंड को स्पेस देना है। कैसे देंगे स्पेस? नो इमेज, नो कलर, नो साउंड और म्यूजिक, नो आर्ट एंड ग्राफिक्स। बीच बीच में अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम बिल्कुल स्पेस देंगे। सभी स्ट्रेट बैठेंगे थोड़ा सा, तो आज हम थोड़ा एक वो मेडिटेशन भी करते हैं साथ साथ। सभी बिल्कुल स्ट्रेट बैठो और अपने आईज को क्लोज करेंगे थोड़ी देर, और सामने एक इमेज लाएंगे, एक स्लेट, जिसे एक स्लेट होती है, बिल्कुल एम्प्टी स्लेट होती है, स्लेट को हमने ला दिया, उस स्लेट को बड़े ध्यान से आप देखो। उस स्लेट को आप ध्यान से देखेंगे ना, तो स्लेट में आपको एक क्या चीज मिलेगी, बिल्कुल खाली स्लेट है, मैं उस स्लेट को देख रहा हूं, मेरे थॉट चलने बंद हो गए। जैसे ही मेरे थॉट चलने बंद हुए, मेरा माइंड रिलैक्स हो गया, मेरे अंदर पावर आनी शुरू हो गई। ये हमारी टेक्निक है, ये हमारा टूल है माइंड को पावरफुल बनाने का। जैसे ही मैं बीच बीच में ऐसे अपने माइंड को स्पेस दे रहा हूं, खाली कर रहा हूं, हमारा माइंड अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। ये है इंटेलेक्ट को समझ के या अपने नॉलेज के बेस पर अपने माइंड को रिलैक्स करना। आप सब पूरे दिन कंप्यूटर में, टीवी में, हर चीज में बिजी रहते ना, बीच में उसको रख दो थोड़ी देर के लिए, माइंड के सामने खाला एकदम बिल्कुल खाली स्पेस आपने ला दिया,
बिल्कुल एम्प्टी स्पेस, आपका माइंड रिलैक्स्ड, ये हमारी टेक्निक है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके, कि जब हम ये सारी चीजें सीख रहे हैं तो इससे फायदा क्या होगा, जो हम नॉलेज ले रहे हैं नॉलेज से क्या फायदा होगा। मेडिटेशन या नॉलेज क्या हमारे अंदर लाएगा, जब हमें समझ आ गई, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई ना, उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हम काम के समय काम करेंगे, सोने के समय सोएंगे, खाने के समय खाना खाएंगे, पढ़ाई के समय पढ़ाई करेंगे, ये सारी चीजें। अगर नॉलेज हमारे पास आई, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हमारे साथ होनी शुरू हो जाएंगी। सो देखो, एक सबसे बड़ी चीज है, हम सभी माइंड से बहुत काम करते हैं, ऐसा सभी का मानना है कि हमको माइंड से काम करना चाहिए, और ये नॉलेज भी कहती है, समझ भी कहती है कि हमको माइंड से काम करना चाहिए, बट माइंड पर काम कौन करेगा। माइंड से काम तो हम सारे कर रहे हैं, माइंड से काम ले भी रहे हैं, बट माइंड के ऊपर अगर हम काम कर लें तो हमारा माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे हमारे माइंड में क्या चल रहा है, ऑब्जर्व करना, किस बात से मैं बहुत ज्यादा हैप्पीनेस हमारे अंदर आ जाती है, किस बात से बहुत ज्यादा सॉरो फील करता हूँ, किससे बहुत ज्यादा एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, ये सारा चीज किसका है, इंटेलेक्ट का। तो जब हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, हमारा माइंड रिलैक्स होता चला जाएगा, उसके बाद हम कुछ भी ऑब्जर्व अच्छा कर सकते हैं। सो हमारी नेचर है, इसीलिए जितना ज्यादा हमारा माइंड अच्छा चलेगा, उतना अच्छी तरह से हम एक एक चीज को ऑब्जर्व करके आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमारे लाइफ में सक्सेस कब आएगी, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए बॉडी की, उसके लिए पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, टाइम भी चाहिए, लेकिन टाइम क्यों चाहिए, ताकि हम माइंड पर काम कर सकें, बॉडी पर काम कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, फियर से बाहर निकल सकें। तो ये सारी जो चीजें हैं सक्सेस के साथ कंप्लीट जुड़ी हुई है, इससे हमारा कंप्लीट एक वर्क फोर्स काम करता है, जो हमारी लाइफ को बिल्कुल सेटल कर देता है। तो आज जो इंटेलेक्ट को स्ट्रांग बनाने वाली बात हम बार बार कर रहे हैं ना, उसको उसका पूरा कंप्लीट हम रीजन देखते हैं कि क्यों हमारे को मेडिटेशन की आवश्यकता है, मेडिटेशन की नीड क्यों है। सभी अब बड़े ध्यान से, एक एक लोग आप जितने भी हैं सभी अपना अनम्यूट करके बीच बीच में आंसर देंगे, क्योंकि मुझे सभी दिख नहीं रहे हैं, सो मैं सबका नाम लेके पूछता हूँ। जैसे आज की जो टॉपिक है, इंटेलेक्ट मीन्स नॉलेज, मीन्स नॉलेज समझ आई, नॉलेज का मतलब कंप्लीट क्या क्लियर हुआ, कि हमारे इंटेलेक्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए मुझे बीच बीच में अपने माइंड को रिलैक्स करना है। क्यों रिलैक्स करना है, क्यों ध्यान देना है, उससे फायदा क्या है, और उससे कितना ज्यादा हम स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा, दिस इज माई बॉडी, सो आई एम नॉट अ बॉडी, दिस इज माई बॉडी। सो बॉडी क्या है, इट डिकेज विद द रन ऑफ एज। सबको पता है कि पहले मैं छोटा था, धीरे धीरे मैं बड़ा होना शुरू हो जाऊंगा, ये हमारी बॉडी का कंप्लीट नेचर है, सबको पता है, धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा। अब आगे देखो, किसी भी पर्सन का होना या ना होना ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हम हर एक चीज को, हर एक चीज, हर एक गजे, जितने भी हमारे घर में गैजेट्स हैं, सबको परमानेंट मान के बैठे। तो ये सारी चीजें होना समस्या नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, इन सारी चीजों से अटैच हो जाना, अटैच हो जाना कि हमेशा रहेंगे, 24 आवर्स रहेंगे। तो जैसे ही मैंने अपने आप को इंटेलेक्ट के थ्रू ऑब्जर्व किया, मुझे पता चला कि मैं जैसे कंप्यूटर का ऑपरेटर ऑपरेट करके कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करता है, वैसे मैं इस बॉडी का ऑपरेटर हूँ। सो मुझे फुल टाइम बॉडी और माइंड को ऑपरेट करना है, इसके थ्रू ही हमारा माइंड बहुत अच्छा काम करेगा। गुड, अब इसके आगे देखो, एक सबसे बड़ी बात है, इसमें क्या शुरुआत होती है, कि फुल टाइम जो जो भी हमारे पास है उससे अटैच है। तो मेडिटेशन बेसिकली क्या हुआ, कि जो कुछ भी इस वर्ल्ड में हमको दिख रहा है,
कोई कुछ भी इस वर्ल्ड में दिख रहा है, नॉलेज, समझ, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस आई, तो हम क्या करेंगे, कौन सी इमेज राइट है, कौन सी इमेज रॉन्ग है, किस इमेज को लेना चाहिए, किस इमेज को नहीं लेना चाहिए, ये हमको मेडिटेशन सिखाता है। सच को जानना, बेसिकली ट्रुथ क्या है। जिस दिन हम ट्रुथ को जान गए ना, सच को जान गए, उस दिन हमारा माइंड कंप्लीट रिलैक्स हो जाएगा। इसी बात के लिए हमारा मेडिटेशन है। देखो हमारी बेसिक नेचर क्या है, माइंड की जो बेसिक नेचर है, या ह्यूमन बीइंग की बेसिक नेचर क्या है, जब हमारा सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सब कुछ हमारे घर में ठीक चल रहा होता है, तो हमको किसी भी बात की कोई परवाह नहीं होती। जैसे कुछ बुरा हुआ, या कुछ अलग हुआ, या मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, कुछ हैपनिंग हुई, हम तुरंत उदास हो जाते हैं। मतलब देखो, हम अवेयर कब हो रहे हैं, जब हमारे साथ कुछ उल्टा हो रहा है, हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, ये हमारी बेसिक नेचर है। जब सब ठीक चल रहा है, उस समय हम सोचना नहीं चाहते, जब सब कुछ खराब हो जाए तो हम सोच नहीं सकते, तो फिर सोचेंगे कब, जब सब कुछ ठीक चल रहा है। तो इसीलिए देखो हमारी नेचर में क्या है, जब सब ठीक है कुछ नहीं सोचना, क्या है मेडिटेशन, क्या है फालतू की चीज मुझे सिखा रहे, जरूरत ही नहीं है। बट आपको ये पता चले कि हमारा माइंड कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी के बेस पर ही वर्क करता है। आज भी हम स्पिरिचुअल बीइंग ही है, बट थोड़ा सा हम अवेयर नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि इसकी नीड नहीं, इसी के थ्रू तो हम सारा कुछ कर रहे हैं। तो देखो हमारी नेचर को मेडिटेशन के साथ जोड़ने से फायदा क्या होगा, यहां पर इंटेलेक्ट को यूज करना है कि हमारे पेन में और प्लेजर में फर्क नहीं है। क्या है फर्क, कि देखो पेन हमारा डेफिनेटली कंपलसरी है, बट सॉरो ऑप्शनल है। इसलिए इस बात को समझने के लिए हमारे पास साइंटिफिक इंटेलेक्ट होना चाहिए। तो देयर इज वन साइंस बिहाइंड इट, कि जब हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, ये इंटेलेक्ट सिखाता है, ये हमारा इंटेलेक्ट या हमारा मेडिटेशन सिखाता है। इससे फायदा क्या होगा, जब हम टीन है, जितने भी टीन्स हैं, जितने भी जो जो 16, 17, 18, 19 के बच्चे हैं, इस एज में मुझे उन सारी चीजों को अवॉइड करना है जिससे मेरा माइंड डल होता जा रहा है। ठीक है, अब आप एक एक यूजर जितने भी हैं थोड़ा सा अपना अनम्यूट करेंगे। जूम यूजर से पूछते हैं, बराबर माइंड डल हो गया, माइंड डल क्यों हो जा रहा है, बिकॉज ऑफ इमोशनल अनस्टेबिलिटी, और कुछ, माइंड मानुष यस ये मानुष बच्चा नया जुड़ा है, मानुष है, चलिए तराशा, डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, गुड। और कोई आंसर, मानुष, जितिन भाई, आउटिंग करना भैया, आउटिंग करना, जितिन भाई, जब हम टीन थे, आप सभी भी टीन रहे होंगे ना, कुछ इसमें टीन है कुछ नहीं है। सो जब टीन थे तो उस समय हमारी एज, हमारी बुद्धि कहाँ लगी होती है, 17, 18, 16 में एज में जब थे तो कहाँ लगाते हैं माइंड को, गेम में, सोशल मीडिया में, ऐप है ना, करते हैं ना सारा दिन भर, फेसबुक चलता है दिन भर, हमारा व्हाट्सएप चलता है, चलता है ना, इससे हमारा माइंड डल हो गया।
दिन भर जब हम ज्यादा देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, इमेज कॉन्सेप्ट। जितनी भी रॉन्ग इमेजेस हैं, जिन इमेजेस का हमारे लाइफ में कोई यूज नहीं है, जब आप उनको देखोगे तो आपका माइंड डल होता चला जाएगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन कि अगर आप दिन भर गेम खेलते हैं, दिन भर सोशल मीडिया पर हैं, दिन भर इंस्टाग्राम पर हैं, दिन भर व्हाट्सएप पर हैं, दिन भर यूट्यूब खोल के देखते हैं, आप घर से पूरे दिन में करके आप बाहर निकल के देखो, आपको आपको लगेगा कि हम किसी और दूसरे वर्ल्ड में आ गए। सो हमारा माइंड काम ही ठीक नहीं करता, इससे हमारे माइंड को डल कर दिया। सो जब अगर इंटेलेक्ट स्ट्रांग होगा, अगर मेरा इंटेलेक्ट स्ट्रांग हो गया, सो मैं क्या करूंगा, उस समय वो काम करूंगा जो मेरे लिए जरूरी है, वो काम नहीं करूंगा जो मेरे लिए जरूरी नहीं है। अंडरस्टूड? तो आज से ये, इसीलिए मैंने कहा ना, देखो नॉलेज समझ आने से ये काम हम करना छोड़ देंगे जरूर। जैसे लोग सभी कहते हैं कि हमको फेसबुक पर, जैसे गेम और सोशल मीडिया पर रहे, जैसे लग रहा है देश हम ही चला रहे हैं, बस बैठे बैठे देश को चला रहे हैं, कंट्री को, हमारे बिना तो कंट्री चलेगी नहीं अगर हम ना देखें तो। तो जिस फील्ड में आप हैं उसमें कुछ नया करके दिखाओ, इसमें इसका पूरा प्रॉपर यूज है। अगर आपके पास जो सारे गैजेट्स हैं इनका प्रॉपर यूज है, ऐसा टूल है जो बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। बट एक साइंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मैं कोई भी इमेज देख रहा हूं जो अननेसेसरी है, वो हमारे माइंड की एनर्जी को ले जाएगा, वो उसको कम कर देगा। तो हम जिस फील्ड में उसमें कुछ नया करें। एक साइंस बाहर की दुनिया का है जिसमें आपको ये कलर्स क्या हैं, ये क्या है, बाहर क्या चल रहा है, लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये साइंस बाहर का है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी को आपने ले लिया। एक साइंस अंदर का है कि मुझे दुख सुख क्यों हो रहा है, किस बात से मुझे सॉरो फील होता है, किस बात से हैप्पीनेस फील होती है। तो जो अंदर का साइंस है उसको समझने के लिए मुझे बार बार इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मुझे दिन भर वो काम नहीं करना है जो जरूरी नहीं है। सो सारे जो भी इस एज ग्रुप में है, 16, 17, 18, 19 के एज ग्रुप में है, 15 के एज ग्रुप में, 14 को, इन जितना अगर आप ये देखोगे आपका माइंड डल होता चला जाएगा। और ये हमारा इंटेलेक्ट है, यहाँ पर अगर हमको अंडरस्टैंडिंग नहीं ना, समझ नहीं है, तो हम ये काम करते जाते हैं और कोई हमको ये समझा ही नहीं सकता, चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें कोई नहीं समझा सकता। सो कॉमन सेंस क्या कहता है कि मेडिटेशन इज अ टूल टू क्रिएट अ ग्राउंड फॉर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। का मतलब जैसे आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे लिए बुरा है मेरे लिए अच्छा है, तो आप उन चीजों के साथ अटैच नहीं होंगे, आप करेंगे और भूल जाएंगे। सो दिस इज द एक्चुअलिटी। सो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी इज एक्चुअलिटी, इट इज नॉट टू गेट अ समथिंग, मतलब कोई कुछ बहुत इसको करने से कोई चमत्कार नहीं होगा, बट इससे क्या होगा कि मैं अवेयर रहूंगा कि मुझे किस समय क्या करना चाहिए। सो आप सभी इसको कंप्लीट माइंड में नोट डाउन कर लें कि अगर मैं बहुत ज्यादा इन सारी चीजों से इन्वॉल्व हूं तो आपका माइंड कुछ दिन में डल हो जाएगा, चाहे कोई बड़ा है चाहे छोटा है, चाहे कोई 20 के बाद का है, 30 साल के बाद का है, चाहे वो सिर्फ टीन एज ग्रुप में है। ये हमारी रियलिटी है। आप देखो ना, वो जो योगी तपस्वी दिन भर जंगलों में तपस्या करते हैं उनका माइंड कितना स्ट्रांग होता है, बट आज हम बहुत वीक फील करते हैं बिकॉज ऑफ बार बार इमेजेस कलर्स को देखते रहते हैं। अंडरस्टूड? तो जितना ज्यादा अब देखो ना, हमने हमसे इस वर्ल्ड में कोई कुछ जानना नहीं चाहता, कुछ भी हमसे जानना नहीं चाहता, लेकिन हम ज्यादातर सब कुछ क्या कर रहे हैं, दिखाने के लिए कर रहे हैं। हमारे माइंड में क्या चल रहा है, लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, किसी को क्या फर्क पड़ता है,
बट कॉमन सेंस ये कहता है कि हमको अपने थॉट को वॉच करना है, इसलिए हमको ध्यान देना है, अटेंशन देना है। किस बात पर अटेंशन देना है, क्या करें क्या ना करें, ठीक है। सो दीज आर, मतलब इसको कहा जाता है इंटेलेक्ट का कंप्लीट यूज, कॉन्शियसनेस ऑफ द लाइफ। बेसिकली फाइव कॉन्शियसनेस ऑफ द लाइफ है। फर्स्ट वन इज मनी, सेकेंड वन इज फैमिली, थर्ड वन इज सोशल, फोर्थ वन इज स्टेटस, एंड फिफ्थ वन इज फिजिकल। ये हमारी बेसिक नीड है लाइफ की। मनी भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, सोशल भी चाहिए, स्टेटस भी चाहिए, फिजिकल भी चाहिए। बेसिक नीड है लाइफ की। अगर ये पांचों चीजें हमारी लाइफ में हैं, तो इन पांचों को ऑब्जर्व करने के लिए स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जरूरी है, और यही स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस हमारी अंडरस्टैंडिंग है, या जिसको हम कहते हैं नॉलेज है या समझ है। जब नॉलेज हमारे अंदर आ जाएगी ना, समझ आ जाएगी, तो मैं किस समय क्या करना है क्या नहीं करना है उसको डिसाइड कर पाऊँ। चलिए सभी थोड़ा रिलैक्स होके बैठिए, माइंड को एकदम सामने बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन जैसे होती है, पूरा ब्लैंक कर दिया, और उस ब्लैंक स्क्रीन में सिर्फ एक छोटी सी इमेज, जो बच्चे हैं, अगर वो बच्चे बाद में जब आप उनको सुनाएंगे तो उनको आप ऐसे बता सकते हैं कि आप अपने माइंड की स्क्रीन पर जी भी जो किसी देवी देवता को मानता है, या फिर कोई ऐसी इमेज जो नेचर की कोई ऐसी इमेज है जिसके अंदर कुछ पावर है, फील होता है, उसको आप अपने माइंड की स्क्रीन पर लाया, और उसको लाने के बाद उससे जो एनर्जी फील होती है वो ब्रेन में जाती है, ब्रेन से पूरे हमारे बॉडी के एक एक पार्ट्स में जाती है, सेल्स में, टिश्यूज में, ऑर्गन में, सिस्टम में, और उस पूरे सिस्टम में जैसे वो पहुंचती है, हमारा पूरा माइंड और बॉडी रिलैक्स हो जाता है, कंप्लीट रिलैक्स्ड माइंड को कंट्रोल करने के लिए। अब मैं इंटेलेक्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी कॉन्शियसनेस से वो इमेज ला रहा हूं जो जरूरी है, जिससे हमारा माइंड पावरफुल हो जाएगा। ओम शांति।